नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे कद्दू की खेती। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है खेत से अभी तोड़ा गया है, मेरे ही खेत से तोड़ा गया है। चाचा हमारे इसकी जो है बुआई किए थे और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अभी ये मार्केट में जा रहा है। इसकी अभी जो है गर्मी में मार्केट वैल्यू क्या है, किस रेट में ये जा रहा है और इसकी बुआई कब किए थे और इसमें कितनी लागत लगाए थे, किस तरीके से चाचा इसकी बुआई किए थे, इनसे हम जानेंगे, खुद जो है पूरी जानकारी लेंगे। और ये मार्केट में जा रहा है तो अभी कितना जो है दाम इसका मिल रहा है और ये जो पूरा बोए हुए हैं इनके एरिया कितनी है, ये कौन सा बीज जो है लगाए हैं और क्या है कद्दू का जो एक मेन टाइम होता है बोने का, वो एक अच्छा समय होता है जिससे किसान भाई को एक अच्छा लाभ मिल पाए, वो समय कब होता है और कैसे होता है, किस तरीके से कद्दू की खेती करें, पूरी जानकारी आपको देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई कमेंट है या आप हमारे चैनल को सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आइए इनसे जानते हैं कद्दू की खेती के बारे में पूरी जानकारी। जी, अभी आप कद्दू की बुआई की है, ये कोहड़ा जो है बोआ गया है आपके खेत में और इसका जो है अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? मार्केट वैल्यू अभी 13 से 15 रुपए किलो। अगर बात करें इसकी बुआई की तो बुआई का एक अच्छा समय कब होता है, हमारे किसान भाई इसकी बुआई कब करें? फरवरी, जब थोड़ा हल्का गर्मी आ जाए मौसम में। जी, जब हल्का गर्मी आ जाए मौसम में तो अब इसकी बुआई करें। तो ये अगेती खेती होगी, अगेती खेती होगी। कहीं ना कहीं गर्मी में इसका रेट जो है अच्छा मिलता है? हाँ, गर्मी से अभी बरसात तक अच्छा रेट, गर्मी से बरसात तक अच्छा रेट मिलता है। अभी आप कितने कितना बोए हैं, थोड़ा सा बोए हैं कि मतलब दो बिस्सा में बुआई किए हैं तो तुड़ाई में लगभग कितना अभी निकल रहा है, कितनी बार आप मंडी ले गए हैं? आज 1 kg एक कुंटल ले गए थे, एक कुंटल आज ले गए थे सुबह में, फिर अभी एक गोनी घर पे भेजे, एक बोरी, फिर एक बोरी ये अभी यहाँ माल तैयार है। जी, तो यानी कि 1 kg लमसम आज भी हो जाएगा। मतलब हर रोज एक दो बिस्से में हर रोज 1 kg की जो है तुड़ाई आप कर रहे हैं। फसलें जो है आपकी अच्छी है, और इसकी बात करें गुड़ाई की तो गुड़ाई कब कैसे करें? गुड़ाई की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, अपना नाली बना के ऐसे क्यारी द्वारा विधि द्वारा बो दें। जी, बहुत ज्यादा बीज इसमें ना डालें। जी, बीज की मात्रा उचित दूरी रखें। बीज की जो पौधों से पौधों की दूरी होती है कितनी रखनी चाहिए? 7 मीटर रखनी चाहिए। 7 मीटर रखनी चाहिए जिससे इसके जो पौधों की शाखाएं हैं ये अच्छे तरीके से फैल सके, ग्रोथ करें ना। और इसके बाद इसमें सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए? नाली विधि से सिंचाई करें तो अच्छा रहता है, नहीं तो फल पे जो है जैसे लग गए तो अभी धूप कड़क हो रही है। जी, तो इससे गल भी जाते हैं, जैसे कि एक दो भी इधर देख लीजिए, ये देखिए, दिखाइए, उठा लीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये देख लीजिए। जी, इससे खराब हो जाते हैं। जी, यानी कि नाली बनाकर इसकी सिंचाई करें जिसके बीच ये जो एरिया है क्यारी है इसमें पानी ना आने पाए, नहीं फसलें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं, कद्दू का फल जो है ये सड़ जाएगा। अगर जो है इसकी सबसे अच्छी बुआई का टाइम जो होता है वो क्या होता है? फरवरी से अप्रैल तक, मार्च तक। फरवरी कभी भी बोइए, वो तो अन टाइम होता है। जी, लेकिन फरवरी से अच्छा आपको अच्छा रेट मिल जाएगा मार्केट में, मार्केट वैल्यू मिलेगी। जी, अगर बुआई की बात करें तो आप अभी जो है इसका नाम पता है कौन से कद्दू बोए थे, क्या लाए थे? ये है, इसको तो क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा है अभी। जी, मालूम है, नामधारी का बीज है, नामधारी कंपनी का। जी, तो इस दो प्रकार के बीज हैं, ये देखो कोहड़ा है, ये बड़ी वैरायटी में रहेगा, हरा ही है, देखो बड़ा बड़े साइज में। जी, ये कोहड़ी है। जी, कोहड़ी बोलते हैं, छोटी छोटी वैरायटी में रहते हैं जी, छोटी छोटी कद्दू। जी, बड़े वैरायटी में ये कोहड़ा आएगा। जी, ये भी फिर भी हम जल्द तोड़ लिए हैं, ये 5 kg से 7 kg तक इसका वेट, इसका फल जो है वो 5 kg से 7 kg तक रहेगा। देख लो, 5 kg के ऊपर वेट है, 7 kg रहेगा। जी, तो यानी कि 5 से 7 kg के फल जो है ये इसमें आते हैं। अगर हमारा किसान भाई इसकी खेती करना चाहे तो वो किसान भाइयों के लिए खेती अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छी रहेगी, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, बोते समय थोड़ा ध्यान दें, क्या देखा इससे भी डालें, वो खड्डा पहले खोद लें छोटा छोटा। जी, और उसमें गोबर की खाद। जी, गोबर की खाद बहुत अच्छा ग्रोथ करता है पौधों के लिए। जी, बहुत अच्छा। कैसे करें गोबर की खाद, क्या करें? कंपोस्ट बीज से बनाते हैं कुछ लोग जैसे घूर गांध देते हैं गांव में, ऐसे फेंक देते हैं, प्रोसेस निकालते हैं। जी, भुरभुरी खाद बना ले मिट्टी में मिला के, उसके बीज के साथ में ही रख। जी, जैसे इसकी बुआई करना हो तो सर्वप्रथम जैसे एक स्टेप बताइए कैसे करें किसान भाई हमारा? अगर देखिए, सबसे अच्छा तो नाली विधि है। जी, और आपके पास अगर आदमी है पर्याप्त मात्रा में तो उसको खड्डे खोद के उसमें खाद डाल दीजिए थोड़ा। जी, पहले। जी, और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, फिर वो मिट्टी भुरभुरी करके उसी में बीज डाल दीजिए। जी, उसके बाद फिर पौधों का जो ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा।
उसी से जो है आपकी फसलें भी तगड़ी होंगी। हाँ, फसल जो आएगी अच्छी है जी। तो अभी मार्केट वैल्यू इसकी क्या चल रही है? 13 से 15 रुपए हाँ, प्रति केजी चल रही है। और बिजनेस जो है ये आपका ठीक ठाक है? ठीक है जी। हाँ। जो किसान भाई अगर करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये जो है खेती अगेती करे कि पिछेती खेती करे तब फायदेमंद है? अगेती करे तो ठीक है, पिछेती भी ठीक है। बीज की खेती थोड़ा कम सही रहती है, बीच में सभी किसान के पास तैयार हो जाता है कि इधर भी बो देते हैं तो आ जाता है जी। तो यानी कि कोहड़ा की खेती जो है वो अगेती 20 रुपए तक था, 20 रुपए यानी कि इसके पहले की अगर बुआई किए होते तो और अच्छा होता। तैयार हुआ था, कुछ माल ले गए थे जी। तो कहने का मतलब जो है कोहड़ा की जो खेती होती है वो उस अगेती खेती करें तो बहुत अच्छा होता है। और अगर इसके बीज का चयन करना हो तो आप दुकान पर जाएं, अच्छे से अच्छा बीज चयन करें। बाकी कोहड़ा की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है, कद्दू की खेती। और इसमें लागत की बात करें तो लागत कितना लगता है? लागत यही सिंचाई ज्यादा पड़ता है, बाकी लागत तो कुछ नहीं, बीज का वही 25-30 रुपए आएगा। बाकी सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने वाली बात है तो गर्मी में कद्दू की खेती के लिए आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, जिससे जो है आपकी अपने फसलों को पानी दिया जाए उचित समय पर। फसलों की सिंचाई कब से कैसे करें, मतलब जो है हफ्ते हफ्ते में या फिर? नहीं, हफ्ते से ऊपर 15 दिन तक करें। हफ्ते से ऊपर 15 दिन तक करें। मान लीजिए जब आपको लगे कि सिंचाई करनी है, मिट्टी जो है टाइट हो रही है, कहीं ना कहीं आपके फसलों को नुकसान दिखाई दे रहा है, उससे पहले ही आप जो है 10-15 दिन सिंचाई कर दें। और गर्मी में इसकी सिंचाई अधिक मात्रा में करें, कहीं ना मतलब सिंचाई की व्यवस्था से करें, सिर्फ नाली नाली से, सिर्फ नाली नाली से पौधों तक जो है इसकी सिंचाई, पौधों तक जो है पानी पहुंच जाए बस। बाकी जो है क्यारियों में पानी ना पहुंचे, नहीं फसलें आपकी खराब हो जाएंगी जो फल लगे रहेंगे। तो देख सकते हैं किसान भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है दवा का क्या छिड़काव किए थे? कौन? कोई दवा नहीं, कोई कीटनाशक मार दिए जी। इसमें बहुत ज्यादा रोग जो है लगने का कोई खास डर नहीं रहता है, और यदि रहता है तो आप अपने जो है नजदीकी किसान केंद्र से जाकर पता भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से किसान भाई अभी यहाँ पर जो है कद्दू की बुआई किए थे, हमारे यहाँ कोहड़ा बोला जाता है। तो फले इसकी फूल की बात करें तो फूल भी लग रहे हैं और फल भी लग रहे हैं, और किसान भाई इसकी तुड़ाई भी कर रहे हैं। अभी ये जो है गर्मी में अच्छा रेट जाता है, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ये भर जो है इसको बोरी में भरा जा रहा है और माल जो है वो तैयार किया जा रहा है मार्केट के लिए। अब ये मार्केट जाएगा और जी सुबह में मार्केट ले जाएंगे। और इस अभी सुबह मार्केट पहले भी गए हैं, अब हम आपको कल दिखाएंगे पूरे मार्केट में इसका रेट क्या है, किस तरीके से चलता है। और इसकी जो है अगर इसमें कोई भी आपको थोड़ी सी भी जो है जानकारी अधूरी लग रही है तो आप कमेंट करिए, आपके लिए पूरी जो है एक बेहतरीन वीडियो बनाई जाएगी, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य किसान भाई को भी जो है इस वीडियो से मदद मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।